हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये दो कुर्ते हैं जिनका रिव्यू आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये हमने मीशो से परचेज़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं इनकी क्वालिटी हमें कैसी मिली है। तो ये देखिए, ये पहला कुर्ता हमें इस तरह से रिसीव हुआ है। ब्लैक कलर में है ये, जैसे कि पिक में दिखाया हुआ था। ये देखिए, थ्री पीस सेट है ये। तो सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका टॉप पार्ट दिया हुआ है। राउंड नेक इसमें दिया हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं वाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। और ये मैंने मीडियम साइज़ में परचेज़ किया है। ये देखिए, ये देखिए वाइट कलर के थ्रेड से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके नेक पार्ट पे, और फॉल्स मिरर का भी साथ में वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी 3/4 स्लीव है, और स्लीव पर भी सेम इसी तरह से वाइट कलर के थ्रेड से वर्क दिया हुआ है जैसे कि नेक पार्ट पे है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से इसकी 3/4 स्लीव दी हुई है। और बाकी जो कुर्ता है बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कहीं भी कोई थ्रेड वर्क नहीं दिया हुआ, साइड स्लीट भी इसमें दी हुई है। स्ट्रेट कट कुर्ता है ये, और उसका जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, रेयन और कॉटन मिक्स फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इसकी फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है वेयर करने के बाद। तो आप इसको ईजिली गर्मियों में भी पहन सकते हैं और विंटर्स में भी पहन सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये दिया हुआ है। और बैक साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। बैक साइड पे इसके ये की होल दिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से बैक पे डिज़ाइनिंग दी हुई है। यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से टाई कर सकते हैं। बाकी ये कुर्ता बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, बैक साइड पे कोई भी वर्क नहीं दिया हुआ है। जो वर्क है फ्रंट साइड पे है, आप देख सकते हैं। लेंथ वाइज भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो लेंथ में भी ये छोटा नहीं रहने वाला। ये देखिए, अब हम इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ये देखिए, इसका जो दुपट्टा है ये हमें नेट फैब्रिक में मिला है। ये देखिए, इसके चारों तरफ इस तरह से लेस दी हुई है। ये देखिए, वाइट कलर के थ्रेड के साथ फॉल्स मिरर का वर्क के साथ इसमें जो लेस दी हुई है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। इस दुपट्टे को काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रही है ये लेस, आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी छोटा नहीं रहने वाला आपको ये। और जो इसकी फैब्रिक क्वालिटी है ना गाइज, नेट की, वो भी काफ़ी अच्छी है। बहुत सॉफ्ट वाली नेट इसमें यूज़ की हुई है, बिल्कुल भी आपको चुभने नहीं वाली ये वाली ये नेट। बहुत सॉफ्ट है इसका जो फैब्रिक है, और ये नेट का दुपट्टा है, वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये देखिए, लेंथ और विड्थ बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। अब मैं आपको डबल फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका जो फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट वाला नेट फैब्रिक दिया हुआ है। अब हम इसका बॉटम पार्ट देख लेते हैं गाइज। ये देखिए, ब्लैक कलर में इसका बॉटम मिला है हमें। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसका बॉटम दिया हुआ है। फ्रंट पे इसकी वेस्ट बैंड दी हुई है, और इसके साइड में कोई भी पॉकेट हमें नहीं मिली है। ये देखिए, दोनों ही साइड कोई पॉकेट नहीं मिली है हमें। इसका जो फैब्रिक है सेम जैसे कुर्ते का फैब्रिक है, मिक्स फैब्रिक है ये, काफ़ी कंफर्टेबल है वेयर करने के बाद। इसकी इस ट्राउज़र पैंट की जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और लेंथ वाइज भी ये हमें काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी लेंथ भी छोटी नहीं रहने वाली, फुल लेंथ में दिया हुआ है ये। और उसकी वन लेग की आप विड्थ देख सकते हैं, कुछ इतनी विड्थ है। उसके बॉटम पे भी इस तरह से थ्रेड वर्क दिया हुआ है दोनों ही साइड, जो वेयर करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है इस पूरे ही सेट को, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसका बॉटम दिया हुआ है। बैक साइड पर इसकी इलास्टिक दी हुई है, वेयर करने के बाद बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। आप साइड में देख सकते हैं, मैंने ट्राई ऑन लगाया हुआ है कि वेयर करने के बाद ये कैसा लुक दे रहा है। ये छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में आप इसको वेयर कर सकते हैं, ज्वेलरी के साथ एक्सरसाइज करेंगे आप इसको तो बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा ये। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसके जो फैब्रिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जिस प्राइस में मैंने इसको बाय किया है बहुत ही अच्छे प्राइस में मैंने इसको लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड जो हमने परचेज़ किया है, सेम ब्रांड से है और सेम सेलर से मैंने इसको बाय किया है, बस इसका कलर चेंज है। ये देखिए, वाइट बेस के ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर के थ्रेड से वर्क दिया हुआ है, सेम वर्क है जैसे कि मैंने इसको आपको फर्स्ट वाला दिखाया था। इसकी जो है 3/4 स्लीव है, और स्लीव पे भी आप देख सकते हैं
ब्लैक कलर के थ्रेड से ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दिया हुआ है और फैब्रिक क्वालिटी भी सेम है जैसे कि ब्लैक वाले की थी। ये देखिए बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है और बैक साइड पे ये की होल का डिज़ाइन हमें दिया हुआ है। ये देखिए और ये भी मैंने मीडियम साइज़ में परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं वेयर करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लुक आएगा इसका भी, और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसका बॉटम पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका बॉटम पार्ट दिया हुआ है, फ्रंट पे वेस्ट बैंड दी हुई है और इसके बैक पे इलास्टिक दी हुई है। ये देखिए और दोनों ही साइड कोई पॉकेट हमें नहीं मिली है, आप देख सकते हैं लेंथ वाइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए और 1 लेग की आप विड्थ देख सकते हैं, कुछ इतनी विड्थ दी हुई है और इसके बॉटम पे ब्लैक कलर के थ्रेड से इसी तरह से वर्क दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है ये जैसे कि हमने ब्लैक वाला आपको दिखाया हुआ है वेयर करके। और ये भी वेयर करने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल है। अब हम इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ये देखिए वाइट कलर में इसका दुपट्टा है, नेट फैब्रिक में है और उसकी नेट की जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और लेंथ वाइज और विड्थ वाइज भी ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ब्लैक वाला इस वेयर किया हुआ है बिल्कुल सेम लेंथ और विड्थ है इसकी भी जैसे कि ब्लैक वाला मैंने वेयर किया हुआ है। इसके चारों तरफ इस तरह से लेस अटैच की हुई है, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देती है इस दुपट्टे को ये लेस। और अगर आपको ये दोनों ही सेट पसंद है और आप इनको बाय करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस में, मैंने इनको मीशो से बाय किया हुआ है, इनकी फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और स्टिचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप बिल्कुल इनको बाय कर सकते हैं। इनका प्राइस और कोड मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप मीशो पे जाके चेक कर सकते हैं। गाइज मेरे साथ इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए इस तरह के आगे और भी हॉल वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।